उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुरादाबाद पहुंचकर भाजपा के कार्यकर्ताओं की मौत पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के पार्षद सरदार डिंपल सिंह के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दी। साथ ही सरदार डिंपल सिंह के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ताड़ीखाना चौक से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला सीधे भाजपा की महिला कार्यकर्ता के आवास पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने उनके परिवार को भी सांत्वना दी। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व महानगर अध्यक्ष और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के मेंबर महेंद्र गुप्ता के आवास पर पहुंचे और उनके चित्र पर माल्य अर्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने उनके पुत्रों से भी बात की और उन्हें सांत्वना दी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता के आवास से निकलकर सीधे लाइन पर मंडल महामंत्री छोटेलाल सैनी के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी के परिवारों के साथ पूरी भाजपा खड़ी है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनकी मदद करेगा। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान मीडिया से बचते हुए नजर आए और जब उनसे सवाल किए गए तो सिर्फ अपनी बात कहकर बचते हुए निकल गए और उत्तर प्रदेश में हो रही उठा पटक पर उन्होंने चुप्पी साध ली और आगे बढ़ गए। बहुत लोगों का देहांत हुआ, इसलिए सभी पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं के साथ साथ जन सामान्य के भी घर तक पहुँचे। ऐसे बहुत से परिवारों का छाया, जो मुखिया थे उनका बच्चों के ऊपर से छाया उठ चुका है, तो सरकार संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की चिंता करें। इसलिए शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उन परिवारों में, बाकी जहां तक मैं पहुंच रहा हूं, बाकी विधायक हमारे संगठन के लोग पहुंचेंगे वहाँ पर। अध्यक्ष जी, यूपी में एक उठापटक चल रही है बहुत तेजी से, उस पर क्या कहेंगे?